मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार अब हमारे बीच नहीं रहे। उनका 98 वर्ष की आयु में अस्पताल में निधन हो गया। दिलीप कुमार का आज सुबह 7:30 बजे निधन हो गया। वो पहले एक्टर हैं जिन्होंने फिल्म दाग के लिए फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता। उसके बाद लगातार 7 बार यह अवार्ड उन्होंने अपने नाम किया। दिलीप साहब ट्रेजेडी किंग के साथ ऑलराउंडर एक्टर भी कहे जाते थे। 25 साल की उम्र में वे देश के नंबर 1 एक्टर के रूप में स्थापित हो गए थे। राजकुमार और देवानंद के आने से दिलीप राजदेव की फेमस त्रिमूर्ति ने लोगों के दिलों पर लंबे समय तक राज किया। दिलीप कुमार का जन्म पेशावर में 11 दिसंबर 1922 को हुआ। उनके पिता का नाम लाला गुलाम सरवर खान और मां का नाम शायना बेगम था। उनके कुल 12 भाई बहन थे। उनके पिता फल बेचते थे। यूसुफ खान ने देवलाली में स्कूलिंग की। वो राज कपूर के साथ बड़े हुए, जो उनके पड़ोसी भी थे। बाद में दोनों ने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई। 1940 के दशक में पिता से झगड़ा होने के बाद यूसुफ खान ने घर छोड़ दिया और वो पुणे चले गए। एक पारसी कैफे ओनर की मदद से उनकी मुलाकात एक कैंटीन कॉन्ट्रैक्टर से हुई। फिर अच्छी अंग्रेजी बोलने की वजह से पहला काम मिला। उन्होंने आर्मी क्लब में सैंडविच का स्टॉल लगाया और जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ तो वो 5,000 कमा चुके थे। इसके बाद वो बॉम्बे अपने घर वापस आ गए। पुश्तैनी हवेली को म्यूजियम बनते देखना चाहते थे दिलीप कुमार। दिलीप कुमार की पुश्तैनी हवेली को 2014 में और राज कपूर की हवेली को 2018 में पाकिस्तान सरकार ने राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया था। दोनों ही हवेलियां पेशावर शहर के रिहायशी इलाके किस्सा खानी बाजार में है। पुश्तैनी हवेलियों पर औपचारिक संरक्षण की प्रक्रिया चल रही है। दिलीप कुमार का असली नाम मोहम्मद यूसुफ खान था। उन्होंने ज्वार भाटा, अंदाज, आन, देवदास, आजाद, मुगले आजम, गंगा जमुना, क्रांति, कर्मा और सौदागर समेत 50 से ज्यादा बॉलीवुड फिल्मों में काम किया था। दिलीप कुमार ने हिंदी सिनेमा प्रेमियों को एक से बढ़कर एक फिल्में दी। 60 साल के लंबे करियर में उन्होंने 65 फिल्में की। दिलीप कुमार की पहली फिल्म ज्वार भाटा और दूसरी फिल्म प्रतिमा फ्लॉप रही थी। उनकी एक्टिंग की आलोचना भी हुई। इसके बाद उन्होंने एक्टिंग को गंभीरता से लेना शुरू किया। उन्होंने बॉलीवुड एक्टर्स को देखना शुरू किया। उनकी तीसरी फिल्म मिलन बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई। उसी साल उनकी चौथी फिल्म जुगनू भी रिलीज हुई और बड़ी हिट बनकर सामने आई। दिलीप कुमार की यादगार फिल्मों में से शहीद, मेला, नदिया के पार, बाबुल, फुटपाथ, देवदास, नया दौर, मुगले आजम, गंगा जमुना, राम और श्याम, कर्मा हिट रही, जो 1998 में आई थी। दिलीप कुमार को भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सम्मान दादा साहेब पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा वे पद्म विभूषण, पद्म भूषण से भी नवाजे गए थे। उन्हें पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशाने इम्तियाज से नवाजा गया था। वे बेस्ट एक्टर का फिल्मफेयर अवार्ड पाने वाले पहले एक्टर थे। उन्होंने 9 फिल्मफेयर अवार्ड जीते थे। दिलीप कुमार 2000 से 2006 के राज्यसभा सांसद भी रहे हैं। मधुबाला के बाद दिलीप कुमार की जिंदगी में उनकी हमसफर सायरा बानो ने दस्तक दी। दिलीप कुमार और सायरा बानो का प्यार एक मिसाल के तौर पर देखा जाता है। लंबे वक्त से बीमार दिलीप कुमार में जान फूंकने वाली सायरा ही थी। ये सायरा का प्यार ही था जिसने दिलीप कुमार को कई बार मौत के मुंह से बाहर निकाला था। वे दिलीप कुमार से 22 साल छोटी है। सायरा दिलीप साहब को बेइंतहा पसंद करती थी। दोनों ने शादी की, लेकिन शादी के कुछ सालों बाद उन्होंने एक बार फिर से पाकिस्तानी महिला आसमा से शादी की थी।
लेकिन बाद में दिलीप कुमार को अपनी गलती का एहसास हुआ। 2 साल बाद आसमा को तलाक देकर वे फिर से सायरा के साथ आ गए थे। बस इसके बाद वे हमेशा के लिए सायरा के होकर रह गए। पीएम मोदी ने भी दिलीप कुमार के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने कहा है कि उनका जाना सांस्कृतिक दुनिया के लिए बड़ी क्षति है। दिलीप कुमार के निधन पर राहुल गांधी ने भी शोक जताया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय सिनेमा में उनका योगदान कई पीढ़ियां याद रखेगी।